इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, खाला जादू करने वाली मंजुलिका है। मेरे लिए एक बहुत नया जोन था। आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ हॉरर कॉमेडी। मैंने इससे पहले कभी हॉरर कॉमेडी किया नहीं। भूल भुलैया जो एक ब्रांड है वाज वन ऑफ माय फर्स्ट बिग फिल्म व्हिच आई स्टार्टेड आई थिंक 15 इयर्स बैक। भूल भुलैया जो है कल्ट फिल्म है, तो नेचुरली जब आप पार्ट 2 बनाते हैं तो एक बहुत ही प्रेशर आपके दिमाग में रहता है कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। बाल बिखरे हुए हैं, काजल थोड़ा फैला हुआ है, थोड़ा पसीना है। आप लोग हड़प अक्कल और कितरमाए। उस फिल्म के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक उसमें हॉरर थोड़ा सा फील था एंड कॉमेडी थी, तो ये दो चीजें इसमें भी आपको नजर आएंगी। छोटे से बाबा सीट से मरे थे विजय चौहान। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड है ये, फ्रेंचाइज बन गई तो थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। एक सिनेरियो वैसा बना है जो भूल भुलैया का वर्ल्ड है, बट वो होते हुए भी एक नयापन है उसमें। है हॉरर कॉमेडी लेकिन फैमिलीज के साथ बहुत कनेक्टेड है। इट्स अबाउट अ फैमिली गोइंग थ्रू सम रियली वियर्ड एंड स्ट्रेंज थिंग। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द घोस्ट इज कमिंग इनसाइड योर होम बट इन दैट वेरी फन लविंग सॉर्ट ऑफ वे। मैं भी एक हॉरर वर्ल्ड का एक हिस्सा बन रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते हैं। इसको आप मिस्टीरियस कह सकते हैं एंड आई थिंक वही सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए। कॉमेडी भी है और आपको कई मरतबा जो है एक दिल में धड़कन भी बड़ी रहेगी कि क्या होगा क्या होगा, थोड़ा डर भी लगेगा।